दोस्तों, क्या हो और मैं आपसे कहूँ कि आप बहुत महंगे कपड़े पहन रहे हैं, बहुत ही महंगे घर में रह रहे हैं और महंगी चीज़ों पर बहुत ही खर्च कर रहे हैं, पर फिर भी आपकी वेल्थ कम नहीं हो रही है, उल्टा आपकी वेल्थ बढ़ती जा रही है। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। पर कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस सवाल का जवाब ऑथर जॉर्ज कैल्सन अपनी बहुत ही फेमस बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में देते हैं। इस बुक में उन्होंने 7 मेन रूल दिया है जो आपको अमीर बनने के लिए काफ़ी मदद करेंगे, और लास्ट के 3 रूल बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आइए जानते हैं रूल नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को पैसा देना। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि हम सब पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। जब हमें हर महीने सैलरी मिलती है तो हम उसे खुद को पैसा नहीं देते हैं। हम अपनी सैलरी में से मकान मालिक को रेंट देते हैं, बैंक को लोन की EMI देते हैं, दूध वाले, पेपर वाले, सब्जी वाले को पैसे देते हैं, इलेक्ट्रिक और टेलीकॉम कंपनियों के बिल भरते हैं, और खुद को महीने भर की कड़ी मेहनत के लिए कुछ भी नहीं देते। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें अपने मंथली सैलरी में से मिनिमम 10% खुद को पे करना चाहिए, यानी कि सैलरी का 10% खुद के फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए, जिसे हम रिच बनने के लिए यूज़ करेंगे। वो कहते हैं कि जैसे ही हमें सैलरी मिले, सबसे पहले हमें उसका 10% अपने फ्यूचर के लिए खुद को पे करना चाहिए। अगर हमारे लिए 10% से ज़्यादा सेव करना पॉसिबल हो तो हमें जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जॉर्ज कैल्सन कहते हैं कि हम कोई भी काम करके तो थोड़े बहुत पैसे बना सकते हैं, पर ज़्यादा पैसा बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। अगर हम खुद रिच बनने के लिए पैसा नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? और इसीलिए हमें खुद को अपने फ्यूचर के लिए पैसा देना शुरू करना होगा, जो मिनिमम हमारे सैलरी का 10% होना चाहिए। और अगर हम इससे ज़्यादा पैसा सेव कर पाए तो हम और जल्दी रिच बनेंगे। अमीर बनने का दूसरा रूल है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, यानी कि अपने खर्चे को कम करें। ऑथर कहते हैं कि अगर हमें डिसिप्लिन से अपने मंथली इनकम में से पैसे सेव करना है तो हमें अपने खर्चों को कम करना होगा। वो कहते हैं कि जो भी अपने खर्चों पर ध्यान नहीं देते, उसके खर्चे उसके इनकम के बराबर हो जाते हैं, और ऐसे में उसके लिए सेविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि हमें अपने जरूरी खर्चों और अपने डिज़ायर में कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। हमारे जरूरी खर्चे लिमिटेड होते हैं और हम उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं, पर हमारे डिज़ायर्स अनलिमिटेड होते हैं, जिसे हम अपनी सारी इनकम खर्च कर कर भी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें अपने सभी डिज़ायर को पूरा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हमारे पैसे लिमिटेड है पर डिज़ायर अनलिमिटेड। ऐसे में लिमिटेड पैसों से अनलिमिटेड डिज़ायर को कैसे पूरा किया जा सकता है? दोस्तों, रिच बनने के लिए हमें अपने इनकम में से 10% पैसा सेव करना चाहिए, और फिर जो पैसे बचते हैं उन्हीं पैसों को अपनी जरूरतों और अपने डिजायर में खर्च करना चाहिए। अमीर बनने का तीसरा रूल है स्टार्ट मल्टीप्लाइंग योर मनी, यानी कि पैसे को बढ़ाना शुरू करें। दोस्तों, जब हम रूल नंबर 1 और 2 को कुछ टाइम तक फॉलो करते हैं तो हमारे पास सेविंग्स बनने लगती हैं, पर सेविंग्स से तो हमें कोई इनकम नहीं होती, और इसलिए ऑथर इसके बाद रिच बनने के तीसरे रूल में हमें अपनी सेविंग से इनकम सोर्स बनाने को कहते हैं। वो कहते हैं कि रिच बनने के लिए बेहद जरूरी है कि सेव किए हुए पैसे को काम में लाया जाए, यानी अपने पैसे को एक तरह से अपना वर्कर बनाया जाए, ताकि उससे हमें लगातार पैसा आते रहे, चाहे हम काम करें या ट्रैवल करें या सोते रहें। और अगर हम ऐसा करते जाते हैं तो हम बहुत जल्दी रिच बनते जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम रिच इस बात से नहीं बनते कि हमारे पास कितना पैसा है, बल्कि यह बात हमें रिच बनाती है कि हमारे पास कितने इनकम सोर्स है और हमें हर महीने कितने जगहों से इनकम आती है, क्योंकि रखे हुए पैसे आज नहीं तो कल ख़त्म हो सकते हैं। पर अगर हम अपने लिए कई तरह के इनकम सोर्स बना लिया है तो उनसे सालों तक पैसा आते रहेगा, और हम इन पैसों से अपने लिए और भी अलग अलग इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हैं, जो हमें और जल्दी रिच बनाएंगी। रिच बनने का चौथा रूल है गार्ड द मनी फ्रॉम लॉस, यानी पैसे को लॉस से बचाना। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अगर पैसे को सोच समझ कर यूज़ नहीं किया जाए तो यह बहुत जल्द हमारे पास से चले जाते हैं, और यूनिवर्स का यह नियम है कि जब तक हम थोड़े बहुत पैसे को संभाल कर रखना नहीं सीख लेते, तब तक यूनिवर्स हमें और ज़्यादा पैसे नहीं देती। जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हमें लगता है कि हम हर तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करके आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। ऐसे में हम बिना सोचे समझे अलग अलग चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं, जिसे हमें अपने इन्वेस्टमेंट में काफ़ी लॉस हो जाता है। दोस्तों, ऑथर के अनुसार इन्वेस्टिंग का पहला नियम यह है कि उन चीज़ों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिसे हम अच्छी तरह समझते हो, और जहाँ से हमें अपने इन्वेस्ट किए गए पैसों पर प्रॉफिट होने का काफ़ी अच्छा चांस हो। वो ये भी कहते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने का नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले हमें उस चीज़ के बारे में सही सही नॉलेज लेना चाहिए, या फिर ऐसे इंसान से उस चीज़ को सीखना चाहिए जिसे उस चीज़ की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो। और जब तक हम उस चीज़ में इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटजी नहीं सीख लेते,
हमें उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिच बनने का पांचवा रूल है ओन योर हाउस, यानी अपना घर ओन करें। जॉर्ज कैसन कहते हैं कि किसी भी फैमिली की हैप्पीनेस के लिए यह बेहद जरूरी है कि फैमिली के पास अपना एक घर हो, जहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए अच्छी जगह हो, पेड़ पौधे उगाने के लिए ज़मीन हो। इससे न सिर्फ फैमिली के सभी मेंबर को रहने की जगह मिलेगी, साथ ही रेंट देने से भी छुटकारा मिलेगा, जिसमें हमारे इनकम का एक हिस्सा हर महीना चला जाता है। ऑथर के अनुसार जिस तरह हम रेंट का घर लेते हैं, उसी तरह हम अपना घर लोन के साथ ले सकते हैं और अपनी सेविंग से लोन को जल्द से जल्द ख़त्म करके अपना घर पूरी तरह ओन कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अपना घर पूरी तरह ओन करने से हमारे पास एक बहुत अच्छा एसेट हो जाता है, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती जाती है और यह भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। वहीं अगर कभी हमारी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए तो भी हमारे रहने के लिए एक अच्छी जगह होगी। ब्रिज बनने का छठा रूल है प्लान फॉर फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के लिए अभी से प्लान करो। दोस्तों, चाहे हमारी इनकम कितनी भी हो और हम कितने भी यंग हो, टाइम के साथ हम ओल्ड होते जाएंगे और हमारे पैसे कमाने की एबिलिटी कम होती जाएगी, या अगर हम नहीं रहे तो हमारे फैमिली को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए हमें आज से ही प्लानिंग करनी चाहिए। हम आज इसके लिए कई तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे ढेर सारे रेंटल प्रॉपर्टी बना सकते हैं जिससे हमें हमेशा रेंट आती रहेगी। आज हम कई तरह के पेंशन प्लान्स और इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं जिससे फैमिली को मंथली इनकम का बड़ा अमाउंट मिल सकता है। साथ ही हम अपनी वसीयत बना सकते हैं ताकि हमारे जाने के बाद हमारे फैमिली को दिक्कत ना हो। ये सब कर ना सिर्फ हमारे ओल्ड एज में इनकम आती रहेगी, बल्कि इससे हम अपनी फैमिली के फ्यूचर को सेव करेंगे और हमें यह मानसिक शांति भी मिलेगी कि हम रहे या ना रहे, हमारी फैमिली को किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए हमें जल्द से जल्द इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर इसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। रिच बनने का सातवां और आखिरी रूल है इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न, यानी कि अपने पैसा कमाने की क्षमता को बढ़ाना। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि तेजी से रिच बनने के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि हम अपने पैसा कमाने की एबिलिटी को बढ़ाते जाएं, क्योंकि जब हम अपने इनकम को बढ़ाते जाते हैं तो हम उसमें से और ज़्यादा पैसा फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, जिससे हम अपने लिए और ज़्यादा इनकम सोर्स बना सकते हैं और हम और तेज़ी से रिच बन सकते हैं। दोस्तों, अर्निंग को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें और अच्छा होते जाए। अगर हम सेल्स करते हैं तो सेल्स की अच्छी ट्रेनिंग ले, उसके ऊपर बुक्स पढ़े। कोई और जॉब करते हैं तो उस जॉब में अपने स्किल्स को बढ़ाएं ताकि हमें उसमें प्रमोशन मिले और हमारी अर्निंग बढ़े। ऑथर के अनुसार ज़्यादातर लोग रिच बनने के लिए सपने देखते हैं, पर रिच बनने के लिए जो मेहनत होती है उसे नहीं करना चाहते और ऐसे में उनका रिच बनने का सपना सपना ही रह जाता है। वो कहते हैं कि हमें रिच बनने के लिए सपना देखने के बजाय क्लियर गोल रखने चाहिए, तभी हम उसे पूरा कर सकते हैं। जैसे सिर्फ यह सोचना कि मुझे रिच बनना है, ये कोई गोल नहीं है बल्कि मन को भुलाने वाला एक सपना है। पर अगर हम ऐसा सोचें कि अगले 3 साल मुझे 25 लाख रुपए जमा करना है, तो ये एक सपना नहीं बल्कि एक क्लियर गोल है जिसे प्लानिंग के साथ पूरा किया जा सकता है। और हमें रिच बनने के लिए ऐसे क्लियर गोल बनाने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए।